गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर थर्ड। कौन सी यूनिट है? प्रावस्था साम्य और प्रावस्था नियम। ठीक है, तो प्रावस्था साम्य पढ़ने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं साम्य क्या होता है। तो साम्य क्या है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जब क्रिया कारक और उत्पाद के मापने योग्य गुण जैसे ताप, दाब, आयतन, सांद्रता, रंग आदि सब क्या हो? स्थिर हो। क्या कहलाती है वह अवस्था? क्या कहलाती है? साम्य कहलाती है। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जब क्रिया कारक और उत्पाद के मापने योग्य गुण जैसे ताप, दाब, आयतन, सांद्रता, रंग आदि क्या हो जाते हैं? स्थिर हो जाते हैं, उसे साम्य कहते हैं। तो साम्य क्या हुआ? उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था, उत्क्रमणीय अभिक्रिया की वह अवस्था जब क्रिया कारक व उत्पाद के मापने योग्य गुण जैसे ताप, दाब, आयतन, सांद्रता आदि क्या हो? स्थिर हो जाते हैं। वह अवस्था क्या कहलाती है? साम्य अवस्था कहलाती है या वह साम्य कहलाता है। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया की यह अवस्था क्या कहलाती है? साम्य कहलाती है। तो साम्य कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया साम्य। साम्य क्या है? जब क्रिया कारक और उत्पाद के मापने योग्य गुण क्या है? स्थिर हो। मापने योग्य गुण जैसे ताप है, दाब है, आयतन है, सांद्रता है, ये सारे क्या हो? गुण स्थिर हो, उस अवस्था को क्या कहते हैं? हम साम्य कहते हैं। ठीक है, अब क्रिया कारक और उत्पाद की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर साम्य दो प्रकार का होता है। क्रिया कारक और उत्पाद की भौतिक प्रावस्थाओं के आधार पर साम्य कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, एक समांगी साम्य और दूसरा कौन सा हो जाएगा? विषमांगी साम्य, होमोजीनियस इक्विलिब्रिया और हेटरोजीनियस इक्विलिब्रिया। ठीक है, क्रियाकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर साम्य दो प्रकार का होता है, क्रियाकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था के आधार पर साम्य कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। साम्य दो प्रकार का होता है या साम्य के दो प्रकार है, क्रियाकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था या प्रावस्था के आधार पर क्या होता है? साम्य दो प्रकार का होता है। पहला है समांगी साम्य, होमोजेनस इक्विलिब्रिया, समांगी साम्य। इसमें क्या होता है? क्रिया कारक और उत्पाद की भौतिक अवस्थाएं क्या होती है? सेम होती है, समान होती है। क्रिया कारक और उत्पाद की फिजिकल स्टेट क्या होती है? सेम होती है।
भौतिक अवस्था क्या होती है? समान होती है, तो वो क्या कहलाता है? समांगी साम्य कहलाता है। क्रियाकारक और उत्पाद की, क्रियाकारक व उत्पाद की भौतिक अवस्था समान होती है। ठीक है, ये तो हो गया समांगी साम्य हो गया। दूसरा विषमांगी, हेट्रोजिनस इक्विलिब्रिया, विषमांगी साम्य क्या होगा? क्रियाकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्था क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाता है? विषमांगी साम्य कहलाता है। क्या प्रोडक्ट, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट क्या होती है? अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है, उसे हम क्या कहते हैं? हेट्रोजिनस इक्विलिब्रिया कहते हैं। और होमोजिनस इक्विलिब्रिया क्या होती है? जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट क्या होती है? सेम होती है, वो क्या कहलाता है? होमोजिनस इक्विलिब्रिया कहलाता है। तो विषमांगी साम्य क्या हुआ? क्रियाकारक व उत्पाद की भौतिक अवस्था या प्रावस्था, भौतिक अवस्था या प्रावस्था भिन्न भिन्न होती है। कौन सा साम्य कहलाता है? विषमांगी साम्य कहलाता है। ठीक है, परिवर्तित होती है या भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाता है? विषमांगी साम्य होता है। अब हम इसको क्या करते हैं, इन दोनों के एग्जाम्पल लेते हैं, इन दोनों के एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, साम्य, समांगी साम्य और विषमांगी साम्य को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, हमारे पास एक एग्जाम्पल है N2 क्या है? गैस है, प्लस 3H2, ये भी क्या है? गैस है। साम्य इक्विलिब्रियम क्या बनाएगा? 2NH3 अमोनिया गैस बनाता है। ठीक है, ये प्रक्रम बता सकते हो कौन सा प्रक्रम है ये? ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, ये क्या है? नाइट्रोजन क्या है? गैस है, और हाइड्रोजन भी क्या है? गैस है, और जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है 2NH3, ये भी क्या है? गैस है। ठीक है, तो ये तीनों ही क्या कहलाएंगे? ठीक है, तो ये देखो, ये भी नाइट्रोजन क्या है? गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, और अमोनिया जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो भी क्या है? गैस है। तो तीनों ही क्या है? गैसीय अवस्था में है, तीनों की अवस्था क्या है? गैस है। तो ये हमारा क्या कहला गया? समांगी साम्य कहलाता है। क्रियाकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्थाएं क्या है? सेम है। क्रियाकारक भी क्या है? गैसीय अवस्था में है, और उत्पाद भी क्या है? गैसीय अवस्था में है। तो क्रियाकारक और उत्पाद की भौतिक अवस्थाएं क्या है? सेम है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? समांगी साम्य कहलाता है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, PCl3 प्लस Cl2 गैस। PCl3 ये भी गैस है, प्लस Cl2 ये भी गैस है, क्या बनाता है? PCl5 ये भी क्या है? गैस है। तो ये कौन सा साम्य हुआ बताइए? कौन सा साम्य है? है क्रियाकारक और उत्पाद जो है वो दोनों ही क्या है? ये क्रियाकारक, ये और ये उत्पाद दोनों ही क्या है? गैसीय स्टेट में है, यानी कि इनकी भौतिक अवस्थाएं क्या है? सेम है। तो ये भी कौन सा होगा? समांगी साम्य होगा, होमोजेनस इक्विलिब्रिया होगा, समांगी साम्य होगा। ठीक है, इसी तरह से CH3COO C2H5 प्लस H2O, ये क्या है? लिक्विड है, और H2O भी क्या है? लिक्विड है, क्या बनाता है? CH3OH एल्कोहल और एक CH3COOH। ठीक है, दोनों ही क्या है? लिक्विड है, दोनों ही क्या है? लिक्विड है। ठीक है, तो एक बनाएगा C2H5, एक इथाइल एल्कोहल बनाएगा, और एक एसिटिक एसिड बनाता है। ठीक है,
ये हो जाएगा एसिटिक एसिड और ये हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। अब कौन सा है ये साम्य, कौन सा है उत्पाद और क्रिया कारक, दोनों ही लिक्विड स्टेट में है, द्रव अवस्था में है, तो कौन सा साम्य होगा, सेम अवस्था है दोनों की, तो कौन सा होगा, समांगी साम्य या होमोजेनस इक्विलिब्रिया, समांगी साम्य या होमोजेनस इक्विलिब्रिया। ठीक है, अब पहले एक और एग्जांपल लेते हैं, द्रव जल का द्रव और वाष्प साम्य, H2O लिक्विड और H2O गैस। अब यहां पे बताइए कौन सा साम्य है ये, तो ये किसका एग्जांपल है, विषमांगी साम्य का, विषमांगी साम्य, ईट भी देनी पड़ती है, लगा लो ईट का निशान। ठीक है, तो ये कौन सा साम्य हो जाएगा, विषमांगी साम्य कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं CaCO3 का, ठीक है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का, ये कौन सी फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, क्या बनाएगा, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, तो ये कौन सा साम्य होगा, विषमांगी साम्य होगा। ठीक है, हाँ क्या बात है, हेटरोजीनस इक्विलिब्रिया होगा, कौन सा साम्य है, ये विषमांगी साम्य है। ठीक है, तो अब ये जो अपना विषमांगी साम्य है, इसकी व्याख्या करने के लिए ही प्रावस्था साम्य का उपयोग किया जाता है, जिसमें कम से कम कितनी अवस्थाएं होनी चाहिए, दो अवस्थाएं होनी चाहिए, कोई भी दो अवस्था होनी चाहिए। तो विषमांगी साम्य की या विषमांगी साम्यों का अध्ययन प्रावस्था साम्यों के रूप में किया जाता है, जिसमें कम से कम दो प्रावस्थाएं होना अनिवार्य होता है। विषमांगी साम्यों का अध्ययन प्रावस्था साम्यों के रूप में किया जाता है, जिसमें कम से कम दो प्रावस्थाओं का होना अनिवार्य होता है। अब प्रावस्था साम्य की व्याख्या करने के लिए या इन पर ताप, दाब, सांद्रता या अन्य भौतिक गुणों में परिवर्तन की व्याख्या करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, प्रावस्था नियम का। क्या यूनिट का नाम था, प्रावस्था साम्य या और प्रावस्था नियम। ठीक है, तो विषमांगी साम्यों का अध्ययन प्रावस्था साम्यों के रूप में किया जाता है, और प्रावस्था साम्यों का अध्ययन करने के लिए या प्रावस्था साम्यों की व्याख्या करने के लिए या फिर इन पर ताप, दाब या सांद्रता या अन्य भौतिक गुणों में परिवर्तन का प्रभाव प्रदर्शित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, प्रावस्था नियम या फेज रूल का उपयोग किया जाता है, फेज रूल का यूज किया जाता है। ठीक है, प्रावस्था साम्य की व्याख्या करने के लिए या इन पर ताप, दाब या सांद्रता या फिर अन्य भौतिक गुणों के परिवर्तन का प्रभाव स्पष्ट करने के लिए हम फेज रूल का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब फेज रूल है क्या, प्रावस्था नियम क्या है, तो वो देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हम लगा लेते हैं प्रावस्था नियम, प्रावस्था नियम फेज रूल। ठीक है, प्रावस्था नियम क्या है, तो देखिए प्रावस्था नियम क्या होता है, प्रावस्था साम्य पर भौतिक मानों के परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए, प्रावस्था साम्य पर भौतिक मान में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए एक वैज्ञानिक है विलार्ड गिब्स, उसके द्वारा प्रावस्था नियम दिया गया था। प्रावस्था साम्य पर भौतिक मानों के परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए प्रावस्था साम्य पर भौतिक मानों के परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए विलार्ड गिब्स द्वारा
विलार्ड गिब्स द्वारा प्रावस्था नियम, विलार्ड गिब्स द्वारा प्रावस्था नियम दिया गया। ठीक है, तो प्रावस्था साम्य पर भौतिक मानों के परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए विलार्ड गिब्स द्वारा प्रावस्था नियम दिया गया। और प्रावस्था नियम क्या है? प्रावस्था नियम है F इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू। F इज इक्वल टू क्या है? सी माइनस पी प्लस टू। ठीक है, इसको लगा लेते हैं हम इक्वेशन नंबर वन। इसको लगा लिया हमने इक्वेशन नंबर वन। अब यहां पे F क्या है? F कहलाती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि। F क्या कहलाती है यहां पे? मैं यहां लिख रही हूं स्वतंत्रता कोटि कहलाती है। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। C क्या कहलाता है? घटक कहलाता है, कॉम्पोनेंट। क्या कहलाता है? घटक या कॉम्पोनेंट कहलाता है। F हो गया, C हो गया, P। P क्या कहलाती है? फेज यानी कि प्रावस्था। क्या कहलाती है? प्रावस्था। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता कोटि क्या होती है, घटक क्या होता है, फेज क्या यानी कि प्रावस्था क्या होती है। तो हम इन तीनों के बारे में एक एक करके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है।